आप क्रिएटर हो, मतलब यूट्यूब क्रिएटर हो या व्यूअर हो, अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हो तो आपको समझ में आ रही होगी कि अचानक हमारी है जो व्यूज है जो अचानक है जो बहुत ज़्यादा डाउन होने लगी। मतलब किसी किसी के लगभग क्रिएटर को, सभी क्रिएटर मतलब सभी यूट्यूब क्रिएटर को देखा जा रहा है कि उनकी व्यूज है जो बहुत ज़्यादा डाउन हो गए। मतलब बता दो कि ये इतनी ज़्यादा लेस हो गए हैं कि मतलब लगभग यूट्यूबर का तो मतलब 1 मिलियन जिनके आ रहे थे व्यू, जो उनके तो 500 की हो गए, मतलब पूरी की पूरी आधा, मतलब 100 व्यूज आने वाला को 50 व्यूज आ रहा है। मतलब इतनी कम व्यूज अचानक क्यों? एंड आप देखना, अगर आप क्रिएटर हो तो आपको समझ में आ रही होगी, एंड अगर आप एक व्यूअर हो एंड आप तो किसी न किसी के वीडियो देखते हो, तो बड़े क्रिएटर को उठो या छोटे क्रिएटर को, तो आप वहां पे जाकर के देखना पिछले 1 सप्ताह पहले की वीडियो की व्यूज एंड 1 सप्ताह के अंदर की व्यूज देखना, उनमें अगर 100 के हो गए तो इसमें 50 के हो गए, इतनी ज़्यादा डिफरेंस है जो क्यों आ गए। एंड ये हमेशा के लिए रहने वाला है, ये प्रॉब्लम सॉल्व भी होने वाला है, एंड ये क्यों आ रही है, तो इसके लिए वीडियोज़ को लास्ट तक देखो, एंड इसमें पूरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये कैसे हो रही है। तो वीडियोज़ को लास्ट तक देखना, अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ताकि इसी तरह के कंटेंट हैं जो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। देखो ये प्रॉब्लम्स हमें फेस कर रहे हैं 2 वजह से, एंड दोनों वजह क्या है, पहली वजह तो अभी क्या है, बीच में लॉकडाउन थी एंड सडनली अभी है जो लॉकडाउन खुल गई है, तो लॉकडाउन खुलने के बाद क्या हो गई, हम लोगों के जो ज़्यादा मैक्सिमम ज़्यादा व्यूअर्स होते हैं तो किन कौन सी एज के होते हैं, टीन एज से लेकर के एंड 25 एज लगभग उतनी होते हैं, एंड उनके बाद वाले जो भी होते हैं वो भाई बहुत ही कम देखते हैं, बट 25 के अंदर जो भी एज वाले होते हैं वो यूट्यूब पर थोड़ा ज़्यादा ही फोकस करते हैं। एंड यूट्यूब पर फोकस करने के अलावा आप यहाँ पर देख लो, यहाँ पर सबसे बड़ा व्यूअर हम लोगों को अगर देने वाला है तो वो है टीन एज के बच्चे, क्योंकि लॉकडाउन में वो बहुत ज़्यादा खाली बैठे थे, एंड गार्जियंस के सामने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद गार्जियन खुद प्रेफर करते हैं कि ये फ़ोन लो एंड देखो, तो उनको जो भी वीडियोज देखना होता है वो देखते हैं। तो इनसे है जो एक यूट्यूबर की बहुत ज़्यादा व्यूज है, जो मैं तो मैक्सिमम बोलूँगा कि जो अभी लॉकडाउन के अंदर में सबसे ज़्यादा व्यूज देने वाला जो अगर कोई है तो बच्चे ही हैं, तो उनकी प्रॉब्लम है जो उनके लिए तो प्रॉब्लम ही आ गई है कि जो लॉकडाउन खुल गया है एंड उनको जाना पड़ गया स्कूल। एंड मीडियम एज वाले को बताऊँ तो 25 एज वाले को बताऊँ, वो भी स्टूडेंट्स हैं तो उनके भी कॉलेज स्कूल खुल गए, तो ज़्यादातर टाइम वो कॉलेज एंड स्कूल को स्टडी को देने लगे हैं, तो यहाँ पर व्यूज कम जाती है इस कारण से। एंड यहाँ पर देख लेना 25 ईयर्स, तो वो भी भाई जॉब करते हैं, एंड जॉब के रिलेटेड आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे जॉब पे, टाइमिंग कम मिलेगी तभी वो वीडियोज़ को वॉच कर पाएंगे। तो यहाँ कुल मिला करके देखा जाए कि ये एक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये नहीं बोलूँगा कि जहें ही हो सकती हैं, एंड इनकी वजह से देखो बच्चे तो वीडियो देखेंगे ही, बड़े वीडियो देखेंगे कभी ना कभी टाइम निकाल कर, तो इनकी वजह से कुछ डिफरेंस आ जाएगी व्यूज में, लेकिन सबसे ज़्यादा डिफरेंस क्या चीज़ से हुई है इस भी चैनल्स को व्यूज इतने डाउन होने में, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हर एक क्रिएटर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो एक यूट्यूब की एल्गोरिदम होती है वो हमेशा चेंज किया जाता है। देखो माना जाता है कि जे एक साल में 200 बार भी मतलब एल्गोरिदम को चेंज किया जाता है, यूट्यूब है जे अंडर 1 ईयर एक साल में 200 बार एल्गोरिदम को चेंज किया जाता है। एल्गोरिदम को चेंज वो क्यों करते रहते हैं, ताकि उनकी चैनल्स को कोई हैक नहीं कर सके, तो एल्गोरिदम समय से टू समय वो चेंज करते रहते हैं। एंड आप बोलोगे जो एल्गोरिदम हमको देखने को तो मिलती नहीं है, तो एल्गोरिदम को मतलब जो अगर बहुत बड़ी एल्गोरिदम जो आती है वो हमें सामने दिखने को मिल जाती है, एंड आपको देखने के नहीं मिलती है, तो बड़े क्रिएटर या छोटे क्रिएटर जो यूट्यूब क्रिएटर होते हैं वो आपको बताते हैं जो एल्गोरिदम ये आई है ये चेंज हो गया, और छोटे छोटे जो एल्गोरिदम आते हैं तो वो फेस भी करने को नहीं मिलते हैं, तो ये एक बड़ी डिफरेंस है कि एक एल्गोरिदम चेंज करने के वजह से ये व्यूज कम है। एंड एक और क्वेश्चन थी, ये क्या जो व्यूज है जो इतनी कम हमेशा के लिए रहते हैं, तो नहीं ऐसी कुछ नहीं है, ये कुछ टाइम के लिए रहते हैं, अगर एल्गोरिदम को चेंज किया जाता है तो बहुत सारी डिफरेंसेज है जो आ जाते हैं, एंड बहुत सारे बीच में अपने लॉकडाउन के अंदर ही बहुत सारे क्रिएटर की प्रॉब्लम देखा होगा, जैसे ये प्रॉब्लम हो गई ये प्रॉब्लम, वो टाइम टू टाइम वो सॉल्व हो जाती है, मतलब तो कुछ टाइम आपको लगेगी, कुछ टाइम बाद देखना ये सब पूरी है, जो व्यूज जो पहले आपको आती थी वो आने लगेंगे फिर से, क्योंकि ये कोई बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है, ये होती है कुछ एक्सपेरिमेंट बोलो एल्गोरिदम बोलोगे तो एक्सपेरिमेंट और है जो यूट्यूब करते रहते हैं, एल्गोरिदम को चेंज करते रहते हैं हैकिंग के प्रॉब्लम की वजह से,
तो इसलिए है जो हम लोगों की व्यूज है जो डाउन हो गई है। तो चिंता की कोई बात नहीं है, यहाँ पर आपको अगर व्यूज अभी कम गई है तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आप जिस तरह से काम कर रहे हो उसी तरह से करते रहो, वो फिर से सही हो जाएगी एंड आपको जैसे पहले मिल रहे थे आपको व्यूज सेम वैसे आपको मिलने लगेंगे। क्या ऐप के लिए नॉलेजेबल वीडियो थी? अगर नॉलेजेबल वीडियो थी तो प्लीज़ लाइक कर देना, इस चैनल पर नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले एंड आप देख पाओ एंड नॉलेजेबल वीडियोस से नॉलेज ले पाओ। तो चलिए मिलते हैं कल की एक न्यू टेक वीडियोस के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।